जहाँ अपनों के होते हुए परायपन से भी बुरा एहसास हो, क्या उसको परिवार कहते हैं? जहाँ दिल में दुख आत्मा में बेसुकूनी हो और आवाज में आवाज ना हो, क्या उसको परिवार कहते हैं? जहाँ आँखों में आंसू और होठों पर छोटी मुस्कुराहट हो, जिसे सुनने या समझने वाला कोई ना हो, ऐसी एक आवाज़ हो, क्या आप उसे जीना कहते हैं? जहाँ तकलीफ पूछने वाला कोई अपना ना हो, लेकिन अपनों से ये घर भरा हो और आपको कोई ये भी ना कह सके कि कोई नहीं बेटा, मैं हूं ना, क्या उसको आप परिवार कहते हैं? अगर ऐसा ही कुछ आपके साथ हो रहा है या ऐसे ही दुख या तकलीफ में आप हैं, तो छोड़ दीजिए वो सब, चले जाइए वहाँ से। ज़िंदगी एक नया आगाज़ लेके खड़ी है। ज़िंदगी में कुछ अच्छा घटने वाला है आपके साथ, या ज़िंदगी कोई और नया तजुर्बा देने वाली है। एक नया रास्ता आपके लिए खुला है, इस रास्ते को बंद कीजिए और वहाँ जाइए जहाँ आप इज्जत से, अपनेपन से, अपनी मौजूदगी का एहसास कराते हुए, हंसते हुए, गाते हुए, रोते हुए, दुखी होते हुए साथ हैं अपने, एक झूठे विश्वास के साथ नहीं, एक सच्चे साथ के साथ, जो आपका खुद का अपना होगा, जहाँ कोई आपसे कुछ छीन नहीं सकता, जहाँ आप अपनी पहचान खुद बना सकते हैं, जहाँ आप अपना परिवार खुद हो सकते हैं, जहाँ कोई आपको जज नहीं करेगा, जहाँ कोई आपको ताने नहीं मारेगा, जहाँ कोई आपकी ना गलती हुए भी आपको गुनाहगार साबित नहीं करेगा। एक ऐसा जहाँ बनाएं, एक ऐसी जगह जाएं, ऐसे ही लोगों के बीच उठें और ऐसे ही लोगों के बीच अपनी बातें बताएं। आपका दिल हल्का होगा, आपका मन सुकून में होगा, आपको जीने का मन करेगा। यूँ हर पल घुट घुट के मरने से अच्छा अपने लिए ज़िंदगी का नया रास्ता खोजें। एक ज़िंदगी जो आपको मिली है उसको जीना सीखें, क्योंकि घुट घुट के तो सब जीते हैं। इस घुटन भरी ज़िंदगी को जीना कैसे अच्छे से है ये सीखें। इसी बात के साथ आज का वीडियो समाप्त करती हूँ। उम्मीद करूँगी आपको ये बातें समझ आई होंगी, आप कोशिश करेंगे इसके हिसाब से अपनी ज़िंदगी चलाने की, क्योंकि ज़िंदगी जीना आसान नहीं, मरना तो दो पल का काम है, मर कोई भी सकता है, लेकिन इस ज़िंदगी को जो जीने नहीं दे रही है कोई जी के दिखाए, यही जिंदा दिली है। ज़िंदगी दो पल की होती है लोग बोलते हैं, हाँ ये उनके लिए होती होगी जिनकी ज़िंदगी में खुशियाँ इतनी हैं कि समाए नहीं समझ रही हैं, लेकिन जिनकी ज़िंदगी में सिर्फ दुख है उनका क्या? उनको तो ये ज़िंदगी पहाड़ जैसी लग रही है, अब इस पहाड़ जैसे ज़िंदगी को वो काटे कैसे? ऐसा कुछ नहीं है, ज़िंदगी आपकी भी हो सकती है अच्छी, अगर आप उसे जीना चाहें अपनी शर्तों पे, अपने तरीके से, और जहाँ इज्जत ना हो वहाँ से छोड़ चलें उन लोगों को, क्योंकि वो अपने नहीं, अपनों से भी ज़्यादा बुरे पराए हैं, वो दुश्मन हैं आपके, आपके सगे नहीं हैं। चलिए छोड़ चलें इन लोगों को जो आपके अपने हैं पर अपने नहीं हैं, जो समझना ही नहीं चाहते कि आप चाहते क्या हैं, जिनके पास दो बोल प्यार के नहीं हैं, जो आपसे अपनेपन का दिखावा तो करते हैं लेकिन अपनेपन का साथ नहीं देते। चलिए छोड़ चले, उड़ चले ऐसे घर उन्दे छोड़ के, और बस आए एक नया घर जहाँ हम खुद हों अपने साथ अकेले। नमस्ते। पसंद आया हुआ वीडियो तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।